आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह विषय है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बेहद महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये जो संवैधानिक विकास का इतिहास है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस टॉपिक का मायने क्या है। तो याद रखें, संवैधानिक विकास का इतिहास कहने का मतलब यह है कि जो आज हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, यह अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचा है, इसका विकास कैसे हुआ है, इसके विकास की पूरी यात्रा को ही हम भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास है, अगर इसकी यात्रा को हम समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है। तो जो नियमों कानूनों का संग्रह होता है, नियमों कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। मतलब वह दस्तावेज जिसमें ढेर सारे नियम कानून होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश की मूल विधि होती है, बेसिक लॉ होती है। कानून विधि का अगर हम प्रकार देखें उनकी प्रेसिडेंस के आधार पर, तो किसी भी देश में चार प्रकार के कानून होंगे। एक संविधान होता है, दूसरा एक्ट होता है जिसको आप अधिनियम कहते हैं, तीसरा नियम होता है जिसको इंग्लिश में रूल कहा जाता है, और चौथा विनियम होता है जिसे रेगुलेशन कहा जाता है। संविधान और यही इन विधियों का प्रेसिडेंस ऑर्डर भी है। मतलब किसी भी देश में किस कानून की महत्ता सबसे ज्यादा है, तो पहले संविधान ही है। एक नंबर पर संविधान होता है, दूसरे नंबर पर एक्ट यानी अधिनियम होगा, तीसरे नंबर पर आपका नियम होगा रूल, और चौथे नंबर पर आकर के विनियम होता है, रेगुलेशन कहते हैं। संविधान, संविधान सभा के द्वारा जो बनाया जाए कानून, वो संविधान कहलाता है। वह कानून जो किसी देश की संसद या विधानमंडल यानी विधायिका के द्वारा बनाया जाए, वो अधिनियम कहलाता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई एक्ट देखते हैं, किसी कानून के सामने अगर एक्ट आप देखते हैं, यानी आप समझ लो पार्लियामेंट से पास हुआ है। नियम, नियम जो होता है उसे सरकार बनाती है, जब सरकार बनाए वो नियम है। ठीक है, जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन रूल जो आप पढ़ते हैं, RTE जो पढ़ते हैं, आपका राइट टू एजुकेशन रूल आप 2010 का देखते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आप 2009 का देखते हैं, तो एक्ट जो है वो संसद या विधानमंडल ने पास किया है, और जो रूल होता है वो किसने पास किया, आपका सरकार। और विनियम रेगुलेशन जो होता है वो जिसे उसका पालन करना है, यानी अलग अलग संस्था, अलग अलग विभाग जो अपने लिए नियम कानून बनाते हैं उसको हम रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप पुलिस रेगुलेशन, रेलवे रेगुलेशन, ये सब आप सुनते होंगे, तो रेलवे संस्था ने अपने लिए जो बनाया, पुलिस संस्था ने जो अपने लिए बनाया, उसे पुलिस रेगुलेशन या रेलवे रेगुलेशन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कानून होता है। इसी में हमें संविधान का विकास देखना है, मतलब हमारा जो आज का संविधान है वो कैसे है। तो जब विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों को मिला करके एक दस्तावेज तैयार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। नियमों कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। तो जब संविधान नियमों कानूनों का संग्रह है, तो इसका विकास भी विभिन्न नियमों कानूनों के संग्रह करने से ही हुआ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स हमारे देश में वर्ष 1600 में आए, और 1947 में हमारे देश को आजाद किए, देश हमारा आजाद हुआ, यानी 1600 से 1947 तक उन्होंने भारत में शासन किया। इस दौरान इतने लंबे समय, लगभग 300 साल शासन करने के लिए उन्होंने जरूर कोई ठोस कानून बनाए होंगे। तो ब्रिटिश काल में जितने भी कानून बने, उन कानूनों में से जो हमें हमारे देश के संचालन के लिए बेहतर लगे, उन कानूनों का हमने संग्रह कर किया, और इस तरीके से संग्रह से एक जो नया दस्तावेज तैयार हुआ वही कहलाता है संविधान।
इसका मतलब यह है कि संवैधानिक विकास के इतिहास के अंतर्गत हम उन नियमों कानूनों का अध्ययन करेंगे, उन सारे एक्ट्स का अध्ययन करेंगे जो ब्रिटिश काल में पारित किए गए। इसलिए संवैधानिक विकास के इतिहास में हम विभिन्न प्रकार के एक्ट को पढ़ते हैं, है ना। वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट एक्ट्स, वेरियस एक्ट्स ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग देयर रूलिंग, जब तक उनका शासन चला उस दौरान उन्होंने जो भी एक्ट लाए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखें, जो ब्रिटिशर्स का शासन हुआ हमारे देश में, हम उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 1600 से लेकर के 1858 तक, दूसरा 1858 से 1947 तक। 1600 से 1858 तक ब्रिटिशर्स की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, तो इस अवधि को कंपनीज रूल या कंपनी का शासन कहते हैं, जबकि 1858 से 1947 तक ब्रिटेन की महारानी ने भारत में शासन किया, इसलिए इसे क्राउन्स रूल या ताज का शासन या महारानी का शासन कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के शासन के दौरान विभिन्न प्रकार के कानून हैं। जब कंपनी का शासन भारत में चल रहा था तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद से कुछ कानून पारित किए गए। नियंत्रित करना मतलब रेगुलेट करना, और रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून पारित किए गए जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो कंपनी के शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। जब किसी पहले से निर्मित एक्ट को एक निश्चित समय अवधि में उसमें आवश्यक सुधारों को करके, जब उसे एक निश्चित समय अवधि में आवश्यक सुधार करके बार बार लागू किया जाता है तो उसे चार्टर या घोषणा पत्र कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद विभिन्न चार्टर एक्ट आए, ठीक है। ये किस तरीके से आया इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला एक्ट आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसी में कहा गया कि हर 20 साल में इस रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा की जाएगी और जो कमियां होंगी उसको दूर करके नया एक्ट लाया जाएगा। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में हर 20 साल यानी निश्चित अवधि में संशोधन करके बार बार उसे प्रस्तुत किया जाना था। जब निश्चित समय अवधि में संशोधन करके प्रस्तुत किया जाए तो उसे चार्टर एक्ट कहते हैं। इसलिए हर 20 साल में चार्टर एक्ट आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट, फिर 1813 में चार्टर एक्ट, फिर 1833 में चार्टर एक्ट, और फिर 1853 का चार्टर एक्ट। ये हर 20 साल में चार्टर एक्ट आते गए। तो कंपनी के शासन के अधीन हमें इन सारे एक्ट को पढ़ना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, और लास्ट में 1853 का चार्टर। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें 1853 के बाद नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था 1857 की क्रांति। जब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। जब 1853 का चार्टर एक्ट लाया जा रहा था तो आप जानते हैं कि 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, और जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई जिसे आप हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिस के नाम से भी जानते हैं, और इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। 1853 आते आते ब्रिटिशर्स का साम्राज्य इतना ज्यादा विस्तारित हो गया कि जब 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाना था उस समय ब्रिटेन की संसद में एक चर्चा प्रारंभ हो गई कि क्या इतने बड़े साम्राज्य को, भारत में ब्रिटेन के पहले इतने बड़े साम्राज्य को, क्या एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल सकती है। जब इस बात पर चर्चा प्रारंभ हुई तो उस समय ब्रिटेन की संसद के सचिव थे लॉर्ड मैकाले, है ना, सेक्रेटरी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और लॉर्ड मैकाले ने कहा कि इस बात पर चर्चा करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती है, इस बात पर चर्चा करना
बेफजूल है। हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने देते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हर 20 साल के शासन करनी थी, हर 20 साल में नए चार्टर एक्ट से उसको आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन अब लॉर्ड मैकाले ने यह कहा कि अब हम अनलिमिटेड इनको पावर दे देते हैं, जब तक चाहे तब तक शासन करें। लेकिन कभी किसी भी परिस्थिति से अगर ऐसा लग जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं कर सकती, उसी पल ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन करके अपने हाथों में ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की महारानी ले लेंगे, ऐसा तय हुआ। इसका मतलब 1853 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के असीमित समय के लिए अधिकार मिल गया कि जब तक वो कर सकती है करेगी। लेकिन इसी बीच में एक महान क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। बेशक हम 1857 की क्रांति हार जाते हैं, लेकिन हम ब्रिटिशर्स को यह जता पाने में सफल हो जाते हैं कि हम अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं सह सकते। और जैसा कि 1853 के चार्टर एक्ट में स्पष्ट था कि जिस पल यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन नहीं संभाल सकती, उस पल ईस्ट इंडिया कंपनी शासन ले लिया जाएगा वापस और ब्रिटेन की महारानी अपने हाथों में ले लेगी। 1857 की क्रांति से जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत का शासन नहीं संभाल सकती, तो भारत का शासन अपने हाथों में ब्रिटेन की महारानी ले लेती है। और इस तरीके से 1858 से स्वतंत्रता तक भारत में ब्रिटेन की महारानी का शासन चलता है, जिसको हम ताज के शासन के नाम से जानते हैं। जब ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू होता है 1858 से लेकर 1947 तक, तो महारानी भी कानून बनाती है देश को चलाने के लिए संसद के, ब्रिटेन की संसद के माध्यम से। लेकिन यहां पर खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ब्रिटेन की महारानी कानून बनाना शुरू करती है, मतलब संसद के माध्यम से, तो उनके सामने दो चीजें होती हैं। एक, वे भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाना, और उन्हें मनाया कब जा सकता है, जब उन्हें आवश्यक सुधार दिए जाएंगे, आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। और दूसरा, भारत पर शासन भी करना। इसीलिए जब महारानी का शासन भारत में शुरू होता है तो इन्हीं दो दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार के कानून आते हैं। एक, वे कानून आते हैं जो भारतीयों को आवश्यक सुधार प्रदान करें, और ऐसे कानून जो भारतीयों को आवश्यक सुधार देने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए लाए जाते हैं, उन्हें भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने जब भारत में शासन करना शुरू किया तो उन्होंने ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन में एक अलग विभाग बना लिया, एक अलग मंत्रालय बना लिया, आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना, भारत में प्रशासन करने संबंधित मंत्रालय, और उसका नाम दिया भारत परिषद, उस मंत्रालय का नाम रखा, विभाग का नाम रखा भारत परिषद, है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया। और उस काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 सदस्य होते थे, जिसका अध्यक्ष क्या होता था, भारत सचिव होता था, जो कि ब्रिटेन में ही बैठता था, ब्रिटेन के संसद में बैठता था। हमारे मंत्री कहां बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, हमारी संसद में आकर के बैठते हैं, मंत्रालय में बैठते हैं। तो भारत सचिव के नीचे क्या हो गया, आपका भारत परिषद हो गया, ठीक है। वो भारत परिषद जो है भारत में प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती थी, भारत परिषद सारी रिपोर्टिंग भारत सचिव को, और भारत सचिव किसको देता था, ब्रिटेन की संसद में जवाब देता था। ठीक वैसे ही जैसे आज जो सांसद है, जो आपका अधिकारी है, वो काम करते हैं किसके लिए, आपका एक मंत्रालय के अधीन, वो मंत्रालय अपने मंत्री को देते हैं और मंत्री फिर क्या करते हैं, आपका जवाब देते हैं। तो ये इस तरीके से एक भारत परिषद बनाएगा, भारत परिषद बनाएगा। और चूंकि ब्रिटेन के की तरफ से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, तो उस समय ब्रिटेन की तरफ से जो मुखिया होता था वो गवर्नर जनरल हुआ करता था,
भारत का गवर्नर जनरल कहते थे, लेकिन भारतीयों को इस नाम से ही बहुत क्या हो चुकी थी, नफरत हो चुकी थी। इसीलिए गवर्नर जनरल का नाम भी चेंज हो जाता है, उसको वायसराय कहा जाता है। देखेंगे वायसराय VICERROY, रॉय लिया गया है रॉयल से, रॉयल मतलब शाही महारानी, और वाइस मतलब उसका प्रतिनिधि उसके अधीन। तो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि अब वो कहलाता है, उसको वायसराय कहा जाता है, गवर्नर जनरल वायसराय। ये वायसराय रिपोर्ट करता था भारत सचिव को, और भारत सचिव किसके किसको रिपोर्ट करेगा, महारानी को और ब्रिटेन की संसद। तो ये व्यवस्था बनती है, जब भी महारानी को कोई भी सुधार देना होता था, किसी प्रकार का सुधार करना होता था भारतीयों के लिए, तो वो इस भारत परिषद के माध्यम से ही करती थी, इसलिए उस कानून को भारत परिषद अधिनियम कहा जाता था। और दूसरा एक आवश्यकता ये था कि भारत में शासन करना, नियंत्रण करना, भारतीयों पर नियंत्रण करने के लिए जो कानून लाए जाते थे, शासन करने के लिए जो कानून लाए जाते थे, उसे भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था। इस प्रकार 1858 से 1947 के बीच में दो प्रकार के कानून आए, भारत परिषद अधिनियम काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, और दूसरा भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत परिषद अधिनियम तीन बार आए, भारत परिषद अधिनियम तीन बार, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी भारत परिषद अधिनियम 1909 को आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले भारत सचिव और मिंटो भारत के वायसराय। तीन भारत शासन अधिनियम भी लाए, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। ये तीन भारत शासन अधिनियम, तीन भारत परिषद अधिनियम, जब महारानी का शासन चल रहा था। इस प्रकार से 1600 से लेकर के 1947 के बीच में विभिन्न प्रकार के कानून है। कंपनी के शासन काल के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1853 वॉज द लास्ट चार्टर, ये अंतिम चार्टर कहा जाता है, एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है। इसके बाद जब महारानी का शासन चला तो उस दौरान भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इतने एक्ट को आपको भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पढ़ना है। इन एक्ट की जो खास बातें थी, उन्हीं खास बातों का संग्रह हमारे संविधान में किया गया, और इस तरीके से हमारा नवीन संविधान जो है बन करके तैयार हो गया। ये सारे एक्ट को इसलिए भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में पढ़ा जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला एक्ट है वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम तीन हिस्सों में बांट करके पढ़े तो इससे प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में यह बहुत कारगर सिद्ध होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, फिर हम देखेंगे प्रावधान, और फिर हम देखेंगे परिणाम या प्रभाव। पृष्ठभूमि मतलब इस एक्ट को क्यों लाया गया, जिस भी एक्ट को हम पढ़े, जैसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को शुरू करने वाले हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लाया गया। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रावधान, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, मतलब इसकी मुख्य बातें क्या थी। इस मुख्य बात को, इन मुख्य प्रावधानों को याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा के दृष्टिकोण। और अंत में हम परिणाम इसका लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, प्रभाव देखेंगे कि इसका आज के हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन तीन हिस्सों में पढ़ने से
अगर किसी एक्ट को आपसे 100 शब्द में पूछ ले, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो 100 शब्द यानी लगभग 10 लाइन, 9 से 10 लाइन में आपको लिखना होगा। तो तीन हिस्सों में बांट करके आप लिख सकते हैं, पहले आप उसका इतिहास बता दें क्यों लाया गया, फिर प्रावधान बता दें, अंत में उसका परिणाम लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेंस के हिसाब से तैयार हो जाएगा। और प्री में जो इसके प्रावधान है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चले आगे चलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये हम शुरू करने जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये क्यों आया, कैसे आया, इसको समझते हैं, थोड़ा इतिहास में जाकर के देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि भारत आने वाला जो पहला ब्रिटिशर्स था, पहला ब्रिटिश नागरिक जो था, उसका नाम था मिल्टन हॉज। 1599 में मिल्टन हॉज भारत आया, लेकिन यहां से ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन नहीं माना जाता, 1600 से माना जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिल्टन हॉज था वो इंडोनेशिया तक उसे जाना था, वो इंडोनेशिया तक की यात्रा कर रहा था। प्राचीन काल में जैसे आज आपके पास मनोरंजन के ढेर सारे साधन हैं, प्राचीन काल में इतने साधन नहीं हुआ करते थे, और खासतौर पर जब हम 1500 में हमको तो डिजिटल एरा था भी नहीं, तो उस समय साधन कैसे होते, कैसे इंजॉयमेंट करते, कैसे मनोरंजन करते। तो महाराजा महारानियां अपने अपने बहुत अलग अलग जो उनके दूत होते थे, एम्बेसडर्स जो है, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा करते थे, इसलिए नहीं कि जाए वहां से जानकारी लेकर के आए, ये भी एक पार्ट होता था, इसलिए जरूर भेजते थे कि वहां जाए और आ करके हमें कहानी सुनाए, तो टाइम पास हो, मनोरंजन हो। इसी कड़ी में 1599 में मिल्टन हॉज के नाविक को इंडोनेशिया तक की यात्रा करनी थी। अब वो देखिए जहाज में वो जा रहे हैं, पानी के जहाज में, आप देखेंगे कि इस तरफ इंडोनेशिया है तो ये हमारा केरल का तट पड़ता है। जहाज में चलते चलते आप भी कहीं जा रहे हैं तो थक जाएंगे, कहीं पर उतर करके आप चाय पानी पिएंगे। उसी तरीके से मिल्टन हॉज जब केरल के तट पर पहुंचे तो उन्हें भी लगा कि थोड़ा चाय पानी रिफ्रेशमेंट हो जाना चाहिए, और उन्होंने क्या किया कि केरल के तट पर उतर करके चाय पीने गए हो, तो जब उन्होंने चाय वाले को देखा तो जो चाय का पतीला था वो सोने का, मेड ऑफ गोल्ड, भारत सोने की चिड़िया थी, जो स्टो था वो भी सोने का, ठीक, और जो चाय बनाने वाला था वो ऐसे ही। ये बातें बताने का उद्देश्य ये है, उन्होंने जो देखा उसके सीन को आप समझ सके, विश्लेषण समझिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, आप इसके विश्लेषण कर सकते। मिल्टन हॉज ने क्या देखा कि सोना सोना, मतलब हमारी संपन्नता को देखा, लेकिन जो चाय बनाने वाला है, जो मैंने एग्जांपल लिया, उसके शरीर पर तन पर कपड़े नहीं, गरीब टाइप का दिखा। इसका मतलब यह था कि उसने देखा कि भारतीयों के पास अपार पैसे हैं, लेकिन खरीदने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वहां बेचने वाला कोई नहीं। और बता दूं आपको कि ब्रिटेन एक व्यापारिक राष्ट्र, मर्चेंडाइज नेशन, तो जब व्यापारिक राष्ट्र था तो हर जगह उसको व्यापार करना था, तो मिल्टन हॉज को भारत में व्यापार की बहुत संभावनाएं दिखाई। इंडोनेशिया से वापस लौटने के बाद जब वो ब्रिटेन पहुंचा तो वहां पर पहुंच करके, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को बताया कि भारत, मैंने एक देश देखा भारत जिसके पास व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, अगर हम व्यापार करें तो। चूंकि ब्रिटेन एक व्यापारिक राष्ट्र था तो तत्काल महारानी ने कहा कि ठीक है, हम भारत में व्यापार करने के लिए अपनी एक कंपनी भेजेंगे। और इसलिए अगले वर्ष 1600 वर्ष 1600 में ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी जिसका नाम था, पूरा नाम था, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड फॉर
ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, याद रखें एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछता है, उसको याद रखेंगे, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, दिस वॉज द फुल नेम। और इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी ने भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन ईस्ट इंडिया वॉज गिवेन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पूरा नाम बने गया एकाधिकार। हालांकि ये एकाधिकार प्रारंभ में केवल 15 वर्षों के लिए था, बाद में इसे असीमित समय के लिए जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अब ब्रिटेन भारत में आकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के भारत में व्यापार करने लगी। देखते देखते काफी लंबा समय बीत गया, 117 साल बीत गए। और उस समय क्या होता था, 117 साल बीत गए, वर्ष कौन सा आ गया 1717, 1770, ठीक 1717 में भारत के मुगल शासक, मुगलों का शासन चल रहा था, तो भारत के मुगल शासक थे फर्रुख सियत। फर्रुख सियत में गले की बीमारी हो गई, उस समय कोई थोड़ी जानता था आयोडीन होना चाहिए कि नहीं, तो भेंगा रोग हो गया और बड़ा परेशान रहते थे गले की बीमारी, बहुत जतन किए लेकिन बीमारी उनकी ठीक नहीं हो पाती। 1717 में डॉक्टर हैमिल्टन भारत आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। उस समय एक प्रथा थी कि कोई भी अगर आता था तो पहले उसको राजा के दरबार में हाजिरी लगानी होती थी। तो जैसे ही डॉक्टर हैमिल्टन भारत आए और उन्होंने राजा को अपना परिचय दिया, इसके पश्चात डॉक्टर हैमिल्टन ने राजा को गले की बीमारी से मुक्त कर दिया। गले की बीमारी से मुक्त करने के एवज में फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुक्त व्यापार करने की दीवानी प्रदान कर दी। गले की बीमारी को ठीक करने के एवज में फर्रुख सियर ने भारत में मुक्त व्यापार की दीवानी दी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दीवानी मतलब अधिकार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज बीन गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक करने के वजह। इस बात को समझेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। 1717 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करती थी तो उसका एक बड़ा हिस्सा उसे राजा को लगान यानी टैक्स के रूप में देना पड़ता था। आप समझ लें कि ये टैक्स लगभग 90% के आसपास होता था, यानी अगर 100 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है तो 90% उसको क्या देना पड़ता था, राजा को टैक्स देना पड़ता। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार की दीवानी मिली। मुक्त व्यापार मतलब जिसमें टैक्स न देना पड़े उसको मुक्त व्यापार कहते हैं। जैसे मुक्त व्यापार मिला, यानी अब जो 100 रुपए था वो पूरा का पूरा कौन रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी। तो ये क्या था, ये बेहतर था, ये बेहतर परिस्थिति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, खुश होने वाली बात थी, इसलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखेंगे एग्जाम में पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कब आया, तो 1717 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मुक्त व्यापार की जो दीवानी थी, है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था फर्रुख सियर ने जो प्रदान किया, उसे मुक्त व्यापार की दीवानी को ही हम क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि अब राजा को पैसा नहीं देगी, अब पूरा पैसा अपने पास रखेगी, तो आर्थिक रूप से समृद्ध होना चालू होती है। और राजा के पास क्योंकि पैसा नहीं आएगा, यानी वो कमजोर होना चालू होता है। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समृद्ध होना चालू करती है, यानी वो शक्तिशाली होगी, तो वो भारत में शासन करना चाहती है। लेकिन शासन किसका चल रहा होता है, राजा का। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजाओं के बीच में युद्ध भी होता है, जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, ये युद्ध होते हैं। और इन दोनों युद्धों में हार भारतीय राजाओं की होती है, और भारतीय राजाओं की हार होने के बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि भविष्य का प्रशासन किनके हाथों में होगा, अंग्रेजों के हाथों में होगा, है ना, ब्रिटिशर्स के हाथों में होगा, कंपनी के हाथों में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उनका भारतीयों पर कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि प्रशासन वो अकेले नहीं करेंगे, दो लोग मिलकर के प्रशासन करेंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, वो बेहद ही तेज दिमाग के व्यक्ति थे। उन्हें यह पता था कि भारतीयों पर उनकी कोई पकड़ नहीं है, और अगर वो सीधा प्रशासन करना शुरू कर देंगे
तो हो सकता है कि भारतीय उन्हें स्वीकार ना करें और ब्रिटिशर्स का प्रशासन करने का, भारत पर प्रशासन करने का जो सपना है वो सपना ही नहीं है। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने तय किया कि वो अकेले शासन ना करके राजाओं के साथ मिलकर के शासन करें। जब एक व्यक्ति शासन करे तो ठीक है, लेकिन जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। और दोनों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजा दोनों मिलकर के शासन करें और शासन करने की जो रूपरेखा है इसको तय करने के लिए 1765 में इलाहाबाद की संधि आयोजित की। संधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तय हुआ कि भारतीय राजा और ब्रिटिशर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलकर के भारतीय पर शासन करेगी। और शासन करने की इस नई प्रणाली जो विकसित हुई यहां पर, जो रॉबर्ट क्लाइव ने प्रस्तुत किया, उसे द्वैत शासन या ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। द्वैत शासन के अंतर्गत शासन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक था निजामी का शासन और दूसरा था दीवानी का शासन। निजामी का शासन इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, दीवानी का शासन इसको इंग्लिश में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। निजामी मतलब जो निजाम करते थे, दीवानी मतलब जो पैसों वगैरह से संबंधित था। एक ही प्रशासन को दो हिस्सों में बांट करके दो अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाना द्वैत शासन कहलाए, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, जो दो अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। दीवानी शासन के, दीवानी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, इसके अंतर्गत वो भारतीयों से टैक्स वसूलते थे, मतलब पैसा इनका, और जो जनता के लिए जो भी कार्य करना है ना, जनता के लिए जो भी कार्य करना है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो भी है जनता के लिए, वो सब भारतीय राजा करेंगे। यानी पैसा अंग्रेज अपने पास रखते थे और किसको देते थे, और शासन किसको करना होता था, काम किसको करना होता था, भारतीय राजा करना होता था। और आप देखें कि यहां से कि पैसा तो अंग्रेज अपने कब्जे में रख रहे हैं, लेकिन काम किसको करना पड़ रहा है, भारतीय राजाओं को करना पड़ रहा है। बिन पैसे कोई काम हो सकता है क्या? इस तरीके से भारतीय राजाओं की छवि जो है धूमिल हो रही थी भारतीयों के बीच। 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन करना शुरू किया। 7 साल बीतते बीतते 1772 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी उसका व्यापार पर कोई ध्यान नहीं था, और उसका ध्यान पूरा किस पर शिफ्ट हो गया था, प्रशासन पर। इसीलिए 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पौंड का महान वित्तीय घाटा हुआ। 10 लाख पौंड का जब इतना बड़ा घाटा हुआ तो इसकी क्षतिपूर्ति, ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय राजाओं को अब टैक्स तो मिल नहीं रहा था, तो भारतीय राजा तो कमजोर थे, तो इसकी क्षतिपूर्ति करनी भी जरूरी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पौंड की मांग ब्रिटेन की सरकार से, ब्रिटेन की सरकार उन्हें 10 लाख पौंड देने के लिए तैयार हो गई, क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उस पर नियंत्रण रखें, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर 10 लाख पौंड की क्षतिपूर्ति देने के एवज में ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, और उन्हें नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करना है रेगुलेट करने के लिए ही 1773 में जो एक्ट लाया गया उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। यह इसकी पूरी पृष्ठभूमि। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, आप एक से ध्यान रखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां थी, आप ऐसा समझ सकते हैं 3 शाखाएं थी। जो भी शाखाएं थी उन शाखाओं में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख होता था उसको प्रेसिडेंट कहते थे, इसलिए वो प्रेसिडेंसी कहलाई, और उसी प्रेसिडेंट को आगे चलकर के गवर्नर कहा गया। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, बंगाल, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी। अब ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण तो करना चाहती थी, लेकिन अगर बंगाल प्रेसिडेंसी पर कंट्रोल करे तो मुंबई मद्रास छूटते थे, मुंबई पर कंट्रोल करे तो बंगाल मद्रास छूटते थे, और मद्रास पर करे तो बंगाल मुंबई छूटते थे, यानी एक साथ तीनों पर नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया जाता, आप हम सब स्कूलों में पढ़ाई किए हैं तो
उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट तो ब्रिटेन की सरकार ने तय किया कि जो बंगाल मुंबई मद्रास है उसमें से एक प्रेसिडेंसी को कैप्टन बना दिया जाए, मतलब सीधा उस पर नियंत्रण होगा और वो प्रेसिडेंसी जो होगी बाकी दो प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण करेगी। इस तरीके से तीनों प्रेसिडेंसियां क्या हो जाएंगी, नियंत्रित हो जाएगी। इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे पहला प्रावधान था वो ये था कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी को कैप्टन बना दिया गया, उसके अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बुला दी। ब्रिटेन की सरकार बंगाल प्रेसिडेंसी पर कंट्रोल करती थी और बंगाल प्रेसिडेंसी बाकी दोनों पर नियंत्रण करते थे। तो पहला प्रावधान याद रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला प्रावधान यह था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को ला दिया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई मद्रास आ गए, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तीनों प्रेसिडेंसियों में कौन बैठा करते थे, अध्यक्ष कौन होता था वहां का, गवर्नर कहलाता था। यानी बंगाल में गवर्नर होता था, मुंबई में गवर्नर होता था और मद्रास में भी गवर्नर होता था। जब तीनों जगह एक रैंक के अधिकारी थे तो मुंबई और मद्रास वाले बंगाल के गवर्नर की बात क्यों सुनेंगे, वो तब सुनते जब बंगाल के गवर्नर ओहदे में क्या होते, उनसे बड़ा होते। इसलिए दूसरा प्रावधान यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरी महत्वपूर्ण प्रावधान इसका समय, इसके लिए कॉन्सेप्ट चलते। पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था वो केवल बंगाल के काम को देखता था, जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसको बंगाल को तो देखना ही है, साथ साथ मुंबई और मद्रास को भी देखना पड़ रहा। तो जब उसे मुंबई और मद्रास को देखना पड़ता था, पहले वो अकेले अपने ही प्रेसिडेंसी का काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा, अब उसको बाकी दो प्रेसिडेंसियों के भी काम देखने, अकेले संभव नहीं था, कुछ लोगों की सहायता लगेगी। इसलिए तीसरा प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद मतलब कुछ लोगों का समूह, परिषद मतलब समूह जो कार्य में सहायता करे उसको कार्यकारिणी परिषद कहते हैं, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, तीसरा प्रावधान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना था तो नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है भय, न्याय का भय पैदा करना। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई गलत कार्य करे तो उसे दंडित किया जा सके, इसके लिए यह प्रावधान किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और इसका चौथा प्रावधान था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। याद रखिए नाम सुप्रीम कोर्ट था, आज का सुप्रीम कोर्ट जो है 1935 के अधिनियम से बना था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का चौथा प्रावधान था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इसी के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये चारों प्रावधान बेहद इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के दृष्टिकोण से। पहला, बंगाल के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। और जो चौथा है वो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। ये चार प्रावधान। अब इसका परिणाम क्या हुआ, आज जो हमारा संविधान है उस पर इसका प्रभाव क्या है, कैसे हम देखें? तो आज आप देखें, जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। और अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा गया था कि गवर्नर जनरल को सहायता करने और सलाह देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होगा। अगर हम रिप्लेस करें तो गवर्नर जनरल जगह
आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, और कार्यकारिणी परिषद की जगह क्या लिखा हुआ है, मंत्री परिषद। इस तरीके से जो सबसे पहला प्रभाव इसका है वो ये है कि अनुच्छेद 74 की संकल्पना, आर्टिकल 74 का जो कॉन्सेप्ट है या जो मंत्री परिषद की जो अवधारणा है वो इसी अधिनियम से आती है। एक दूसरा, दूसरी अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज पर जाएंगे तो आप देखें, आज जैसे दिल्ली है, दिल्ली से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन होता है, इसे हम कहते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। इस एक्ट में भी यही व्यवस्था की गई। इस एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल के अधीन मुंबई और मद्रास हो, जब एक स्थान से प्रशासन हो तो इसे केंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं, जो आज वर्तमान में हमारे देश में हो रहा है। तो इस तरीके से केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत भी यहां से मानी जा सकती है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत भी मानी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज हमारे संविधान के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, न्यायपालिका की शुरुआत इसी अधिनियम से होती है। यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा, इसे आप पढ़ें और इसे बेहतर, इसका विश्लेषण आप करें, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न इसमें पूछा सकता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान के विकास में एक मील का पत्थर है, विवेचना कीजिए 100 शब्द। प्रिलिम्स के हिसाब से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्यों को करने के लिए, कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, ये सारी चीजें इसमें पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, पढ़ें, क्वेश्चन के आंसर लिखें।